हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल देवा WETC में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पता है कि 27 और 28 जनवरी 2019 को यूपी पुलिस का एग्ज़ाम था, तो जो पेपर का लेवल था उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट लेवल था, न तो ज़्यादा टफ था न ज़्यादा ईजी था, मतलब बढ़िया पेपर था। और कितने मार्क्स का था? 300 मार्क्स का था। ठीक है दोस्तों, 300 मार्क्स का पेपर था और ज़्यादातर बच्चों ने, ठीक है, जितने क्वेश्चन अभी तक सही करने के अनुमान लग रहा है वो 110 प्लस हैं। ठीक है दोस्तों, इससे कम नहीं है, ज़्यादातर बच्चों के 110 प्लस हैं, क्योंकि उनकी तैयारी बहुत ज़्यादा बढ़िया थी। ठीक है, और आगे भी जो अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें भी उनका एग्ज़ाम बहुत ही बढ़िया होने वाला है। ठीक है, मेहनत कर रहे हैं वो लोग। तो अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। बिल्कुल, हमने एनालिसिस किया है कि इस यूपी पुलिस एग्ज़ाम की जो कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है। ठीक है, कैटेगरी वाइज हम यहाँ पर बताएंगे, एक एक चीज़ आपको समझाई जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जितने नंबर अगर आपके हैं तो हमें कमेंट कर बताएं कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, कितने उसमें से गलत किए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक जो चीज़ है वो नॉर्मलाइजेशन ज़रूरी। नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही होगा, और नॉर्मलाइजेशन किस बेस पे होता है, कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता कि नॉर्मलाइजेशन कैसे हो रहा है, हमें पता ही नहीं चलता है। तो उसकी टेंशन मत लीजिए, आप वीडियो को पूरा देखिए, हम आपको बताएंगे कि नॉर्मलाइजेशन किस हिसाब से होता है। ठीक है, तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल अभी आप हमारे साथ बने रहिए। और चलिए बात करते हैं अब कैटेगरी वाइज कट ऑफ की। तो जहाँ तक कि अभी तक जो क्वेश्चन पेपर को देखा गया है, और क्वेश्चन पेपर देखने के बाद में जनरल कैटेगरी के जो मार्क्स होने हैं वो 210 मार्क्स हैं। अगर 210 मार्क्स अगर जनरल कैटेगरी में आते हैं तो उनका सिलेक्शन श्योर होता है। ठीक है, वो बिल्कुल फाइट करेंगे। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो ओबीसी के अंदर अगर आपके 205 मार्क्स हैं, ठीक है, तो आप फाइट कर सकते हो, आपका सिलेक्शन श्योर होता है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो फ्रंट में इनके बिल्कुल सामने लिखा हुआ है, ये चीज़ भी आप ध्यान से देखें कि अगर ये 210 नंबर हैं तो उसके 90 से लेके 92 क्वेश्चन तक, 95 तक अनुमान है, 95 तक, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखें। लेकिन ज़्यादातर जहाँ तक हम बात कर रहे हैं वो 90 और 92 के बीच में ही रह जाएगी। ठीक है, अगर आपके 90 से और 92 तक क्वेश्चन अगर आपके सही हैं, ठीक है ना, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, यहाँ 95 हो सकता है, भाई 95 ध्यान रखें, 95 है, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर 205 नंबर, ठीक है, 205 नंबर अगर आपके 85 से 90 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर होता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है और इसका नॉर्मलाइजेशन भी होगा, वो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर कैटेगरी बात की जाए एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी के अंदर टोटल जो मार्क्स होने हैं वो 185 होने चाहिए। ठीक है, अगर इतने मार्क्स हैं आपके तो आप बिल्कुल फाइट कर सकते हैं। और क्वेश्चन कितने सही होने चाहिए आपके, क्वेश्चन 75 से 80 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में रखें। अगर इतने क्वेश्चन आपके सही हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर बात की जाए एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी के अंदर अगर आपके 64 से 68 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आपका सिलेक्शन होता है, ये भी ध्यान रखें। उसके बाद में जो एक्स सर्विस मैन वाले हैं इनका श्योरली है, अगर इनके 60 to 70 मार्क्स हैं तो इनका सिलेक्शन श्योर है। इनका जो क्वेश्चन सही होने का अनुमान जो लगाया जा रहा है वो 30 और 35 के बीच में भी अगर क्वेश्चन सही हैं तो भी इनका सिलेक्शन होगा, क्योंकि इनकी वैकेंसीज खाली रहती हैं, इनके ऊपर फोकस रखें आप, इनकी जो वैकेंसी है वो खाली रहती हैं। उसके बाद अगर फीमेल की अगर यहाँ बात करें हम, तो फीमेल के अंदर जो कट ऑफ जाने वाली है वो 185 मार्क्स अगर आपके आते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर होता है। यानी कि इनमें कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए, 75 से 80 तक क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन किस बेस पे होता है। ठीक है, कुछ बच्चों को पता नहीं है तो वो भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं याद रखने के लिए, नहीं तो अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ और नॉर्मलाइजेशन की बात आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए यहीं बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन जो होना है वो इस हिसाब से होगा। पहले तो जो क्वेश्चन पेपर है वो कितने नंबर का था, 300 नंबर का। ठीक है, उसके बाद 300 नंबर में से अगर नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है,
होना तो है, बिल्कुल 100% नॉर्मलाइजेशन होगा, वो किसके हिसाब से करते हैं, एक कंप्यूटर के अंदर एक प्रोग्राम आता है, ठीक है ना, वो आपकी एवरेज बता देता है कितने क्वेश्चन आपके सही हैं और इतने आपके गलत हैं, उस एवरेज के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होगा। मान लीजिए कि अगर आपने 75 क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है, और आपने प्लस में 5 क्वेश्चन रोंग कर दिए हैं, ठीक है ना, गलत कर दिए हैं, ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन होगा। तो इन 5 क्वेश्चन को इसके हिसाब से देखेंगे कि 75 क्वेश्चन इसके सही हैं और 5 क्वेश्चन गलत हैं, तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा। एक चीज़ और मैं यहाँ पर बता देता हूँ, अगर किसी बच्चे ने 85 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है, और 85 क्वेश्चन अगर उसके सही है और उसका गलत एक भी नहीं है, तो उसका जो स्कोर है वो 210 के आसपास में रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखें, उतना ही रहेगा। ये नहीं कि अगर आप सोच रहे हैं कि 85 सही है तो 85 का डबल हो गया, क्योंकि एक क्वेश्चन दो नंबर का था, ये चीज़ नहीं होने वाली है, नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स थोड़े बढ़ जाते हैं, ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद में जो कट ऑफ है, इनकी हमें आपने बताई अभी, फीमेल की जो कट ऑफ रहने वाली है वो 185 रहेगी, इतने नंबर अगर उनके हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। कितनी पोस्ट थी इनकी, 49,568 पे, ठीक है दोस्तों। तो ये थी कट ऑफ, हमारा एनालिसिस था। अगर आपके इतने क्वेश्चन सही हैं, ठीक है, इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट कर बताइए, ठीक है, और पेपर भी हम यहाँ पर सॉल्यूशन आपको जल्दी से जल्दी करवाएंगे, ठीक है, जितने नंबर आपके हैं आपको हमें कमेंट कर बताइए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, सी यू एट नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।